समाधान यात्रा को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर पहुंचे। सीएम गुरुवार से समाधान यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। सीएम के साथ संजय झा, विजेंद्र चौधरी, एमएलसी डॉक्टर सौरभ कुमार, एमएलसी भीष्म साहनी साथ रहे। हवाई अड्डा पर पहुंचने के साथ ही सीएम ने यात्रा को लेकर अधिकारियों से वार्ता की। मौके पर डीजीपी समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। वाल्मीकि नगर में सीएम ने टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का आनंद भी लिया। फोटो हम दे देंगे। अरे हट जाइए ना, पीछे गाड़ी है। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने सुधाकर सिंह के मंडी कानून की मांग पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह कोई पीएम नहीं है, जो कहेंगे वही होगा। सरकार ने बाजार समिति को जीर्णोद्धार के लिए 2700 करोड़ रुपए दिए हैं। पूर्व कृषि मंत्री ने ऐसा कहा वैसा कहा, मंडी कानून की बात, क्या मंडी कानून, वो जो कहेंगे वही होगा क्या? अरे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं ना, विभाग उस पर काम कर रहा है ना, कोनो देश के प्रधानमंत्री हैं कि जो कहेंगे वही होगा। कानून अपना पहले भी मैंने आपको बताया कि 2700 करोड़ रुपए हम लोगों ने दिया है उसको जीर्णोद्धार करने के लिए, तो वही बाजार उसमें बाजार समिति का जो है, तो हम लोग उसको जीर्णोद्धार कर रहे हैं। और 2700 करोड़ अभी लगाए हैं और आगे पैसा लगाएंगे, तो उसमें हम कोनो गोदाम खोलने के लिए थोड़ी बना रहे हैं उसको, कुछ ना कुछ तो कानून आएगा ना उस पर। तो अभी काम हो रहा है, उसकी हालत अच्छी नहीं थी। 2700 करोड़ रुपए हम लोगों ने दिया है उसको, देने के बाद निश्चित तौर पे उसके लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम चिंतित हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। शराबबंदी खोले जाने के सवाल पर बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने बयान दिया है। जीतन राम मांझी के बयान पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि जो शराब पीते दिख गया उसे उठाकर अपनी गाड़ी से जेल भेजेंगे। साथ ही कहा कि जहरीली शराब से मरने वालों को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, इसके लिए आंदोलन भी छेड़ेंगे। तरीके से बंद रहेगा, कोई भी शराब पी करके मरेगा उसको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, आंदोलन भी छेड़ेंगे। तो मांझी जी के बयान पर क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि गुजरात को अगर शराब पीते हुए मिल गया उसको हम जेल भेज देंगे, पीते हुए उसको हम उठा करके अपना गाड़ी में टंगवा के जेल भेजा भी था, अपना गाड़ी में बैठा के उसको जेल भेजेंगे, भेजा भी था। शराब पूरी तरीके से बंद रहेगा, कोई भी शराब पी करके मरेगा उसको कोई मुआवजा नहीं मिलना चाहिए, हम भी ट्वीट करेंगे आज पे आंदोलन भी छेड़। तो मांझी जी के बयान पर क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि गुजरात को अगर शराब पीते हुए मिल गया उसको हम जेल भेज देंगे, पीते हुए उसको। पटना में बीएसएससी अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से जोरदार प्रदर्शन किया। बीएसएससी सीजीएल 3 सचिवालय सहायक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों ने मार्च निकाला और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन और हंगामा बढ़ने पर पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया, जिससे अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। पुलिस के लाठीचार्ज से कुछ छात्र घायल हो गए, वहीं कुछ छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने छात्रों पर हुए लाठी चार्ज को लेकर बयान देते हुए कहा कि लाठी चार्ज होना ठीक नहीं है। वो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से इस मुद्दे पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि रोजगार को लेकर भी नए साल में और तेजी से काम होना चाहिए। नया साल का शुरुआत कर दिए, काम जो है ड्यूटी है जिम्मेवारी है सरकार काम कर। रोजगार के लिए युवाओं को क्या कहेंगे, किस तरीके से रोजगार देगी आप? नए साल में नए तरीके से रोजगार सबको मिलेगा, सारे युवा को, सारे नौजवानों को। अभी कुछ अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज हुआ, आप उनको भी कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए सब लोग अपना अपना मांग किया, अब संघर्ष कर रहे हैं सब लोग, तो हमारा ड्यूटी है कि उनको कुछ जिम्मेवारी मिले। अब नए साल में भी हम सरकार से भी बात करेंगे और मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, तेजस्वी जी से भी बात करेंगे कि जल्द से जल्द रोजगार मिले, सबको मिले, और मिल भी रहा है रोजगार। हमारे डिपार्टमेंट से हमने भी नियुक्ति पत्र सबको देने का काम किया, बात किया। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीएसएससी के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर कहा कि ये तो होता रहता है, प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का हक सबको है, लेकिन कानून तोड़ने की किसी को इजाजत नहीं है। अगर कोई कानून तोड़कर कोई भी काम करता है तो वहां पर स्वाभाविक तौर पर कानून व्यवस्था को स्थापित करना पड़ता है।
उसके इसका कहिए कि इसका थोड़ी मतलब है, पहला बार हुआ है क्या लाठीचार्ज? मैंने इस देश में अगर पहला बार हुआ हो, इस प्रदेश में पहला चार्ज, हमको मालूम नहीं है कि कहाँ लाठीचार्ज हुआ कहाँ नहीं हुआ, लेकिन अगर कहीं हुआ है, कोई अगर जो कानून है उसको तोड़ता है, हमको तोड़ने की इजाजत नहीं है। कहीं भी प्रजातांत्रिक ढंग से कोई भी विरोध प्रकट करने का हक किसी को भी है, लेकिन कानून तोड़ के कोई भी अगर करता है तो वहां पर स्वाभाविक तौर पर कानून को स्थापित करना पड़ता है। तो एक तरफ जंगल राज है, एक तरफ कानून स्थापित किया गया तो वो है, तो कौन सा राज खोज रहे हैं वो पता रहता। चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ इंटर्नशिप के दौरान छेड़खानी किए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। सैकड़ों की संख्या में चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर गए और पटना के देवी रोड पर प्रदर्शन कर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन छात्र अपनी मांग पर अड़े रहे। बहुत नॉर्मल सी मांग है, इंटर्न के लिए एक गाइडलाइंस आनी चाहिए। ये जो सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है एक इंटर्न के साथ हुआ है, एक एडवोकेट ने किया है। एडवोकेट द पर्सन जो लॉ को मतलब लॉ बनाने में काम करते हैं, उन्होंने ऐसा काम किया है एक इंटर्न के साथ। हमारी ये मांग है गाइडलाइंस, प्रॉपर गाइडलाइंस आए और पॉस एक्ट के उसमें आए, और हमारी ये मांग है कि उनका जो बेल मिला है उनको फिर से हिरासत में ली जाए। और हमारी काफी मांग है, फर्स्ट डे उसका फर्स्ट डे जो है मतलब वो लॉकअप में गया एंड सेकंड डे उसका तुरंत बेल हो गया है। जो हमारी एफआईआर की कॉपी होती है वो हम यहाँ पे पीड़िता को तुरंत मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं मिली, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए थी, बट उसमें भी डिले हुआ है। और उसके बाद में तुरंत सोशल मीडिया के थ्रू जो कि नाम नहीं आना चाहिए सोशल मीडिया पे विक्टिम का नाम इसमें आया हुआ है, सोशल मीडिया के थ्रू वो पूरा सर्कुलेट हो गया जो कि नहीं आना चाहिए था। अक्यूज को सारे लैपटॉप फोन सब कुछ अवेलेबल हुए हैं जो कि एक अनएथिकल एंड अनलॉफुल चीजें हैं, तो अगर वो वहां से हुई है तो दिस इज आवर राइट टू प्रोटेस्ट ओवर हियर। मंत्री श्रवण कुमार ने जेपी नड्डा के जंगलराज के बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन राज्य को जंगलराज की तरफ ले जा रहा है तो क्या बीजेपी देश को मंगलराज की तरफ ले जा रही? श्रवण कुमार ने कहा कि 70 साल में महंगाई जितनी नहीं बढ़ी पिछले 8 साल में बढ़ गई। केंद्र सरकार ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था मगर मिला कुछ नहीं। बिहार को जंगल राज की तरफ ले जा रहे हैं राजद के साथ। अब है हम लोग ले जा रहे हैं जंगल राज की तरफ, वो तो मंगल राज को देश को ले जा रहे हैं ना, मंगल राज की तरफ। मंगल राज पूरे देश में चल रहा है, देश में महंगाई इतनी बढ़ गई कि 70 साल में जितना महंगाई नहीं हुआ 8 साल में बढ़ गया। मंगल देश चला रहे, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा किया और 8-16 करोड़ नौकरी देश में मिलता और नौकरी वो दे नहीं रहे हैं, तो मंगल देश चल रहा है। तो कहने का मत एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, रेलवे को बेचा जा रहा है, तो देश में मंगल राज चल रहा है। देश के संपत्तियों को औने पौने भाव में चंद लोगों के मुट्ठी में दिया जा रहा है, तो ये मंगल देश चल रहा है। देश सुरक्षित नहीं है, संविधान सुरक्षित नहीं है, ओबीसी का अधिकार सुरक्षित नहीं है। हम लोग जब देश में गणना कराने की बात करते हैं, जाति आधारित गणना कराने की बात करते हैं, तो ये दूसरे तरह की बात करते हैं। देश में भाईचारा खत्म हो रहा है, प्रेम खत्म हो रहा है, आए सब लेकर के 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए हम सब लोग लगेंगे। और जितना इन्होंने किया है एक एक बात बिहार की और देश की जनता को हम लोग बताए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा कि गठबंधन धर्म का सबको पालन करना चाहिए। सुधाकर सिंह को लेकर मांझी ने कहा कि जब से सुधाकर सिंह मंत्री पद से हटे हैं तब से वो निजी तौर पर सीएम नीतीश कुमार को लेकर अपशब्द कह रहे हैं। जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उस पार्टी के नेता को तुरंत तत्काल प्रभाव से सुधाकर सिंह पर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, विरोध करना एक अलग चीज है, सैद्धांतिक विरोध हो और तरह का विरोध हो वो किया जा सकता है। राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में सब जगह विरोध और समर्थन होता है,
लेकिन शब्दों की मर्यादा को कम से कम रखना चाहिए। और सुधाकर सिंह जी जो कर रहे हैं, जब से छोड़े हैं मंत्रालय तब से वो भाषाई मर्यादा को ताक पर रखते हैं, और ताक पर रख देने के बाद जो भी होता है वो बोलते हैं। और उसके लिए कभी होता है कि उस लोग बोल गए ये बात कहे तो पश्चाताप करते हैं, लेकिन ही कहते हैं कि पश्चाताप हम नहीं करेंगे क्योंकि हम कोई गलत नहीं बोल रहे हैं। एक तथ्य तो ये हुआ। दूसरा हुआ कि जब जिस पार्टी से संबंधित हो हैं उस पार्टी के लीडर को जरूर इस पर तुरंत ही तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। अब तेजस्वी जी कहते हैं कि लालू जी से पूछ करके कार्रवाई होगी, लालू जी सिंगापुर में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, अब कब पूछेंगे, कब कार्रवाई होगी, और तब तक के रोज़ कुछ न कुछ नया चैप्टर खुल रहा है। तो इससे गठबंधन धर्म को बहुत क्षति हो रही है, इसीलिए हमने कहा था कि तुरंत कार्रवाई करना, गठबंधन धर्म का पालन होगा। बिहार में दबाव की राजनीति शुरू हो गई है और 2023 तक नीतीश सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। पटना में बीजेपी कार्यालय में जनसुनवाई के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार दो स्वार्थी और अहंकारी लोगों के बेमेल गठबंधन से चल रही है। देखिए, खुल करके हमने उसी को विषयांतर नहीं है, उसी विषय से जुड़ा विषय आपको कहा कि ये ठगबंधन ठगने की तैयारी है और लठबंधन की तैयारी हो चुकी है। माननीय जीतन राम मांझी जी भी अनुभवी लोग हैं और इनके सारे खेल को वो देख चुके हैं। कभी इनको मुख्यमंत्री बनाया, कभी गर्दन पर हाथ रख करके बाहर का रास्ता दिखाया, और ये खेल की शुरुआत हो चुकी है। बजट सत्र पार कर जाए यही बड़ी चीज़ है, और ये खेल लंबा होगा। माननीय नीतीश कुमार जी को कुर्सी से उतार के ये लोग छोड़ेंगे, कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि ये तैयारी कर चुके हैं। और मैं जो कह रहा हूं उसकी सत्यता की जांच का लक्षण ये प्रकट हो रहा है। हम तो हफ्ता पर पहले ही बोले थे, अब वो लक्षण सब प्रकट हो रहा है। जो बोलने का रहता है भारतीय जनता पार्टी का नेता डायरेक्ट बोलता है, पीठ पर वार नहीं करता है। मैं धोखा दे करके नहीं, हाँ ये जरूर है कि मैं सत्ता के लिए नहीं, सुशासन स्थापित करने के लिए हम काम करते हैं। हम चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त बनाते हैं, लेकिन जब कोई दगा करता है तो फिर जनता उसको सजा देती है।